एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 99% लोग क्यों नहीं हो पाते सफल। आपकी जिंदगी से जुड़े 5 ऐसे तथ्य जो आपको जरूर जानने चाहिए, जो आपको मदद करेंगे आपके सक्सेस होने में। अभी मैं जो कुछ बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और एंड में आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा जो मेरी खुद की पढ़ी हुई है और आपको भी पढ़ना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और बुक को भी पढ़ना, जिसके बाद आप इस दुनिया के 10% लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी देख सको। आइए शुरू करते हैं। डोंट चेंज द पाथ। आपको सक्सेस होने के लिए ये चीज सबसे जरूरी है जो कि नहीं करनी होती है। लाखों लोग यही गलती करते हैं। आज कुछ करना शुरू किया और उनसे नहीं हुआ तो उसे छोड़ कर दूसरी चीज ट्राई करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना ही तो पेशेंस होता है और ना ही कॉन्फिडेंस। आप जो भी कर रहे हो वही करते रहो। थकने पर रेस्ट करें, क्विट नहीं, यानी कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दें, उसके बाद फिर से शुरू कर दें। ना कि एक चीज छोड़कर बार बार आप नई नई चीजें ट्राई करें, क्योंकि एक पत्थर पर अगर आप 100 बार हथौड़ा चलाओगे तो वो भले ही उस टाइम ना टूटे पर टूटेगा जरूर, पर अगर वही 100 हथौड़े 10 अलग अलग पत्थर पर मारोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फेलियर। सबसे बड़ा डर यही रहता है सबको, अगर फेल हुए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा। और आपको बता दें, जितने भी सक्सेस लोग दुनिया में हैं सारे ही फेल हुए हैं पास्ट में, उसके बाद सक्सेस, क्योंकि सफलता का रास्ता फेलियर से होके ही जाता है। तो आप भी फेल होंगे, बस ये याद रखना कि उस टाइम पर आपको खुद को संभालना होगा स्ट्रेस और डिप्रेशन से, और एक बार फिर से डबल पावर के साथ ट्राई करना होगा। और जिस गलतियों की वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा उससे सीख ले के दोबारा वो गलतियां नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है असफलता का। लाखों लोग टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते, कभी भी कुछ भी करते हैं। सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बना लेनी है रात को, जो भी आप अगले दिन करने वाले हो, और अगले दिन आपको वो काम सबसे पहले करने हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद आसान वाले। इससे आपको काम का स्ट्रेस भी कम रहेगा और सारे काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सबसे डिफिकल्ट काम का ही होता है जिन्हें आपको सबसे पहले ही कर लेना है। मेडिटेशन। आपको कुछ भी करने के लिए आपके दिमाग का स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रहना जरूरी है, जो कि मेडिटेशन से ही होगा। इसलिए अपने रूटीन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर ऐड करें। मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है ये आप गूगल कर सकते हो, या फिर हमारा वीडियो है मेडिटेशन के ऊपर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाके आप देख सकते हो। रीड दिस बुक। जीतना है तो जीत करो नाम की ये बुक, जिसको लिखा है एस हुंडीवाला ने, इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीद सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 110 या 120 रुपए के आसपास मिल जाएगी। और ये बुक पढ़ने के बाद आपको और कुछ देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असफलता से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ जान जाओगे आप, जो कि इस दुनिया के 5 से 10% लोगों को ही पता है। और सबसे बड़ी चीज़, लोग असफल आखिर क्यों हैं, इस सवाल का भी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में है। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ज़िंदगी में सफल बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सबके साथ शेयर करना।